वेलकम बैक। एंड फिलहाल कैसे भाई, जो माहौल फैल रहा है इसके ऊपर से बोलना चाहता हूँ कि यार फैंस अगर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब एक टाइम तक हम लोग डिमांड करते थे कि अक्षय पाजी एक्शन मूवी लेकर के आओ, ऐसा सपोर्ट करेंगे, अक्षय पाजी एक्शन मूवी लेकर के आओ, ऐसा सपोर्ट करेंगे। और फाइनली जब एक बड़ी एक्शन मूवी लेकर के हमारे खिलाड़ी कुमार आ चुका है, तो जो सपोर्ट फैंस शो कर रहे हैं काफी अच्छी खासी फीलिंग आ रही है। मतलब भाई हम लोग जानते हैं गाइज, आज है भाई साहब यहाँ पे अप्रैल का फर्स्ट डे, और गाइज आज से लगभग ठीक 10वें दिन आप यहाँ पे विटनेस करने वाले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 2024 के बिगेस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म। और यहाँ पे इस चीज को भाई माहौल बनाने वाला चीज गाइज यहाँ पे फैंस ने कर दिया। भाई साहब यहाँ पे BMCM मंथ बिगिंस एक टैग निकाला और जबरदस्त सोशल मीडिया पर जो फैला रहे, मतलब गाइज विद इन आपको बता दो भाई साहब यहाँ पे विद इन 2-3 आवर्स गाइज फिलहाल के समय मोर देन 22,000 प्लस पोस्ट के साथ, गाइस 22,000 पोस्ट के साथ फिलहाल के समय ये टैग ऑल ओवर इंडिया, गाइस ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि यार टैग बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 20-22 हजार क्या होता है, बट पहले इस चीज को समझो कि आज कुछ एक्स्ट्रा चीज रिवील नहीं हुआ है मूवी की तरफ से, बट उसके बावजूद यहाँ पे ये चीज हो रहा है। और एक और चीज भाई, IPL चालू है यार, IPL का भाई साहब यहाँ पे मैच चालू, वो भी मुंबई इंडियंस का मैच चालू है, समझ में आ रहा है आपको भाई। अप्रैल फर्स्ट डे गाइस यहाँ पे मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल का आप लोग जानते हैं गाइस वानखेड़े में मैच चालू मुंबई में, जो पागलपन फैंस ने यहाँ पे मचाया मैच के बावजूद, इतने बड़ा भाई साहब ट्रेंड करना ये अपने आप बहुत बड़े अचीवमेंट है। एंड फैंस ने गाइस वो चीज करके दिखा दिया। इनके इस जोश को देख करके साफ तौर मालूम पड़ता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी को लेकर के, एटलीस्ट 35-40 करोड़ वाले जो अपने एक्सपेक्टेशन है, 40 करोड़ क्लियर मान के चलते हैं, 40 करोड़ जो अपने एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए साफ तौर पर नजर आए। मतलब भाई साहब फिलहाल के समय अगर आपको बात करता हूँ गाइज, अभी के समय हम लोग बुक माई शो के ऊपर जो ट्रेंड कर रहे हैं 77,600 प्लस इंटरेस्ट के साथ अभी हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे लीड करते हुए आ चुका है हमारा पेटीएम का भी इंटरेस्ट गाइज। पेटीएम के फिलहाल के समय भाई साहब हमारा जो इंटरेस्ट हो चुका है 47.9, यस गाइस 47.9,000 प्लस इंटरेस्ट हो चुका है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे अक्षय पाजी ने, आप लोग जानते हैं टाइगर श्रॉफ ने, हमारे पूजा एंटरटेनमेंट ने भाई साहब जो पेटीएम का यहाँ पे जो पोस्ट शेयर किया है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया। और सिंपल से फंडा है, इससे ऑडियंस को मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट मतलब लोगों के ध्यान में चीज कहीं ना कहीं आ रहा है कि हाँ इस डेट पे एक मूवी आ रही है, एक एक्शन मूवी आ रही है और इस एक्टर की आ रही है, बड़ी मूवी आ रही है, इसको कहने के बुक करना है, देखना है। ऑडियंस के अंदर माहौल फैला हुआ है, ऑडियंस कहने के इस चीज को समझ रही मेरे भाई, इसकी वजह से कहने के जो माहौल फैला हुआ है भाई IPL मैच के दौरान, कोई भी टैग जल्दी कोई निकालता नहीं, कोई सोचता नहीं कि हम लोग कुछ करें, बट उसके बावजूद यहाँ फैंस ने एक जबरदस्त टैग निकाला, ट्रेंड किया भाई साहब, ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर चुका है भाई, ये ट्रेंड कर चुका है और कुछ नहीं जी भाई साहब माहौल बन चुका है। तो भाई काफी से खासा फीलिंग आ रहा है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से काफी सारे ऐसे लोगों के जो इस ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट किए होंगे, तो प्लीज कमेंट करके बताना भाई साहब फिलहाल इसमें क्या माहौल पहुंचा है, ट्रेंड हमारा कहां तक गया है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। और अभी कहीं ना कहीं साथ साथ में ट्रैक कर रहा हूँ, पोस्ट शेयर करूँ, ताकि कहीं ना कहीं भाई साहब माहौल जो है फैंस के बना रहे, फैंस काफी खुश है इस चीज को देख करके। और जब फैंस खुश है तो भाई हम भी बहुत खुश है। हमारा जो मेन मोटिव है मूवी को लेकर ज्यादा सा अवेयरनेस फैलाना, ज्यादा सा लोगों तो इस बारे में बताना, तो गाइस कहीं ना कहीं इन सभी छोटी छोटी चीजों से गाइस कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। एंड आई थिंक कहने के जरूरी है भाई, बड़ी ओपनिंग के लिए ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। और आपको पता होगा भाई साहब यहाँ पे इसी मंथ भाई साहब फर्स्ट वीक के अंदर एक बहुत बड़ा धासु इवेंट भी हमारा होने वाला है, खास तौर पर दुबई का निकल करके आ रहा है। सो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा भाई से बढ़ते जा रहे हैं और आई एम स्पीचलेस भाई, मैं यहाँ पे लड़खड़ा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। तो प्लीज कमेंट कर बताना आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर के, और आप में से कौन कौन ऐसे ट्रेंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही, और भाई पुराने बंदे तो सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और बताओ आपके एक्सपेक्टेशंस मूवी को लेकर कितनी है। थैंक यू सो मच, बाय।